Good morning, everyone. My name is Kush Pandey, and you're watching the Daily Current Affairs Show based on The Hindu. And this is the 16th of May. A very warm welcome to everyone. Before starting the video, guys, these are my sessions, 6 a.m., 8 a.m., 12:45 p.m., and 4 p.m. So if you're interested, you can avail these batches. Ye aapke chalte hain free of course, YouTube pe, Monday to Friday. And you can also follow me on the GridUp app. Download the GridUp app and follow me. More than 40,000 people right now are following me on the GridUp app. एंड चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले अगर आप इस शो के फ़ैन हैं, फॉलोअर हैं, सपोर्टर हैं, सब्सक्राइबर हैं, आपकी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, फटाफट वीडियो के लिंक को कॉपी करें एंड प्लीज़ शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एनीवन हु नीड्स करंट अफेयर्स फॉर हिज प्रिपरेशंस. अब आते हैं हमारे आज के होमवर्क पे. मेरा नाम है दोस्तों श्री 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 1008 कुछ सर. आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, इट्स अप टू यू. द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज टू हेल्प अरेस्ट द इकोनॉमिक स्लो डाउन इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक. The RBI has lowered the key repo rate by 75 basis points to what percent? And the answer was, second question tha, Padam Shri awardee Nimai Ghosh has passed away. Recently, he was a veteran. And the last question was, what amount has been decided to inject in the global economy by the G20 summit? And the first to answer, guys, were Yogita Rathor. She was the first to answer approximately 21 hours from now. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आंसर था दैट वॉज 3.75, दैट वॉज 4.4% देखे दिया हुआ है. सेकेंड आंसर आपका जो था दैट वॉज ही वॉज अ वेटरन फोटोग्राफर एंड अ पद्मश्री अवॉर्डी. थर्ड आंसर जो था आपका दैट वॉज 5 trillion. सो कंग्रेचुलेशंस योगिता फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस इन द फास्टेस्ट मैनर. चलो अब आते हैं हमारे आज के सरप्राइज पर. आज का सरप्राइज है आई हैव अ सेट ऑफ 20-25 क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम यस्टरडे. These questions are from the previous 5 days. Let's see how much you remember, how much you recollect. So are you ready, guys? Please everyone give me a yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. We are ready and we are tayar. And here is the first question on the screen. The 80 kilometer link road constructed for Kailash Mansarovar links with which of the following passes in Dharchula in Uttarakhand? And the answer is option B. It is the Lipu Lek Pass. This pass connects the Kailash Mansarovar and it also connects the Dharchula from the Kailash Mansarovar link. And this is in the news, guys. Nepalese or the Nepali government ne is pe strong opposition aapka kiya hai. Which of the following rating agency has predicted Indian economy to grow by a mere 0%? निम्न में से किस रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि भारतीय व्यवस्था बिल्कुल नहीं ग्रो करेगी, मतलब उसका जो ग्रोथ रेट रहेगा वो इस साल 0% रहने वाला है. एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मूडीज. मूडीज ने ऐसा दोस्तों कहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड अ लो कॉस्ट फोटो डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी. इनमें से किस संस्थान ने सुरक्षा के लिए कम लागत वाला एक फोटो डिटेक्टर लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ई, दैट इज़ JNCSR. इसने दोस्तों लॉन्च कहा है. दिस विल ट्रेस फॉर एनी सिक्योरिटी कंसर्न्स. टाइम रिमेंबरेंस एंड रिकन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का समय निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मे द 9th. मैं बाकी ऑप्शन डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मंडे टू फ्राइडे मैंने बाकी ऑप्शन डिस्कस किए हैं. सो आई होप एवरीवन विल नॉट माइंड. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च्ड अ स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स टू शो हाउ अ स्ट्रिक्ट कंट्री इज इन टर्म्स ऑफ मेजर्स एट व्हाट स्टेज ऑफ द कोविड-19 स्प्रेड. इनमें से किस विश्वविद्यालय ने स्ट्रिंजेंस इंडेक्स को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, that is it is the Oxford University jisne is index ko launch kiya hai. Defense ministry has signed a contract with Tata Power or Tata Power for the modernization of how many airfields in the country? And the answer is it is 37. Earlier it was 30, now it is under the modernization of airfield second edition, 37 airfields. A total agreement aapka 1200 crores ka hai. What is the GDP prediction for India by Nomura Holdings for the year 2021? वर्ष 2021 के लिए नोमुरा होल्डिंग्स द्वारा भारत के लिए जीडीपी की भविष्यवाणी क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 7.9%. मैं यहाँ पर अगले साल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ. इस साल आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज़ एट 7.9%. ये सवाल मैंने दूसरी बार पूछा है, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फॉर द सेकेंड टाइम, इवन देन मल्टीपल पीपल आर आंसरिंग द क्वेश्चंस रॉन्ग. गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ बी रेगुलर इन माई सेशंस.
you will benefit. That is my promise. Next. India's first indigenous ELISA test has been developed by which of the following institutes? Bharat ka pehla swadeshi ELISA test निम्न में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? इसका नाम है आपका ऑप्शन बी, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी इन पुणे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन द फीडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप? निम्न में से किस देश ने फीडे का जो chess.com का ऑनलाइन नेशंस कप है उसको, ऑप्शन डी दैट इज इंडियन नेवल शिप केसरी, इस शिप को इस मिशन सागर के लिए यूज किया गया. यार बफरिंग कहाँ से आ रही है? अब बफरिंग नहीं है गाइज, वापस आ जाओ. नाउ देर इज़ नो बफरिंग, कम बैक गाइज. नाउ देर इज़ नो बफरिंग, ऑल राइट. नाउ देर इज़ नो बफरिंग, लेट्स कम बैक. ऑल राइट, येस. नाउ देर इज़ नो बफरिंग गाइज, कम बैक. नाउ देर इज़ नो बफरिंग. अनिल जांगरा जी, बफरिंग नहीं है. एवरी वन प्लीज रिफ्रेश. ओके, टुडेज न्यूज ऑफ द डे गाइज इज US इसराइल टॉक्स ऑन वेस्ट बैंक एनेक्सेशन. जी मैंने आज मॉर्निंग में किया है 6 AM पे, इसको ज़रूर देख लीजिएगा. इससे पहले जो सवाल आपका था, सवाल पहला था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन द फीडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप शैल बी यूज बाई इंडिया फॉर मिशन सागर, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज INS केसरी को इसके लिए यूज किया गया था. गाइज कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, मे 12 इज ऑब्जर्व एज विच ऑफ द फॉलोइंग डे, एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी, दैट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज. इस डे को 12 मई को ऑब्जर्व किया गया. इट इज़ द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और इसी वजह से 12 मई को हर साल हम इसको मनाते हैं. हाउ मेनी न्यू मंडीज हैव बीन एडेड टू द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कितनी नई मंडीज को दोस्तों ऐड किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ 177. दिस नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज ऑल्सो रिफर टू एज ENAM, इसे हम ENAM भी कहते हैं, और अब इसका 177 है. मैं यहाँ पर टोटल बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कितने न्यू ऐड हुए हैं. तो न्यू 177 है, टोटल आपके 962 हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. FIR आपके द्वार योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बहुत ही आसान योजना है जिसमें FIR डायरेक्टली आपके घर पे हो जाएगी, आपकी तो हो ही जाएगी, आप किसी की भी कर सकते हैं. दी आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ मध्य प्रदेश इसका यहाँ पर सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं. एज पर द रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स, RBI's गोल्ड रिजर्व्स हैव इंक्रीज टू, जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है मैनेजमेंट की फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स की, सवाल है कि जो गोल्ड रिजर्व्स हैं उनकी संख्या, उनका अमाउंट कितना बढ़ गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 653.01 टन. ये बढ़ गया है बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग शेयर्स की जगह नाउ गोल्ड इज़ द यूनिवर्सल फेवरेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, Renowned personality Jerry Stiller has passed away. He was related to which of the following profession? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है कॉमेडी. वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी सीरीज ऑफ द US, Seinfeld, विच इज रन बाय द कॉमेडियन Seinfeld. ही प्लेड अलॉन्ग विथ हिज वाइफ सम कॉमेडिक एक्ट्स ऑन दैट सीरीज, इस वजह से ये काफ़ी फेमस थे. रोहित भारद्वाज समिति is related to which of the following, इसका संबंध इनमें से किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रिजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग थ्रू द हेल्प ऑफ वेबिनार, थ्रू द हेल्प ऑफ जूम कॉल्स, दे आर ट्राइंग टू रिज्यूम द स्पोर्ट्स कोचिंग एंड देन दे कैन ऑल्सो स्टार्ट द कोचिंग ऑन द ग्राउंड एज वेल. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड आरोग्य सेतु डाटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020. निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस और नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020 लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. उन्होंने डिफाइन भी किया है सोशल मीडिया क्या होता है, उसको भी आप याद करिएगा. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ चैम्पियंस पोर्टल, एक चैंपियंस पोर्टल है जिसमें दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट स्मॉल कंपनीज इनटू ग्लोबल कंपनीज. तो आंसर है इस ऑप्शन बी, दैट इज़ द मार्जिनल स्मॉल, दैट इज़ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री विच इज़ लेड बाय नितिन गडकरी जी. आगे बढ़ते हैं. एज पर द इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट? 5 वर्ष से कम का जो एक मोर्टैलिटी रेट है अगर हम उसकी बात करें
तो उसके अंतर्गत जो एक एक रेट है आपका, कितना रेट है, कौन सा स्टेट नंबर वन है सबसे ज़्यादा डेथ्स में। मैं देख रहा हूँ एसएससी वाले काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, खुशबू जी, संतोष जी, वैभव जी, एंड ऑल्सो बैंक वाले भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अमित सृष्टि, वेल डन वेल डन, क्या बात है। द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश, माई स्टेट गाइज, उत्तर प्रदेश, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन गिवन अ GI टैग ऑफ तेलंगाना, इनमें से किस आइटम को, किस उत्पाद को तेलंगाना का GI टैग या सांख्यिकी टैग दिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ द तेलिया रुमाल क्लॉथ। आगे बढ़ने से पहले गाइज, हाउ इज़ द सेशन राइट नाउ, आर यू ऑल लविंग इट, प्लीज़ इन द मीन टाइम शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। बाकी आज का जो बर्निंग इशू है जो कि ग्रेडअप के बैंकिंग चैनल पर आ रहा है, दैट इज़ द US इज़राइल टॉक्स ऑन वेस्ट बैंक। येस, आफ्टर दिस सेशन एट 10 AM टूडे वी विल बी हैविंग द वीकली MCQ, डोंट वरी एट ऑल। येस, टूडे विल बी हैविंग वीकली MCQ एट 10 AM। What is the rank of India in the WEF's Global Energy Transition Index? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन बी 74, स्वीडन जो देश है वो आपका नंबर वन पे है। What is the amount of emergency credit for MSME as per the first part of आत्मनिर्भर अभियान? MSME के लिए आपातकालीन ऋण की राशि क्या है जो कि आत्मनिर्माण जो कि आत्मनिर्भर अभियान के पहले भाग के अनुसार है? The answer is, it is 3 lakh crore for the MSME. वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें 1 lakh crore या 1.5 lakh crore मिलेगा, बट द गवर्नमेंट हैज़ डन रियली वेल, दे हैव कमिटेड फॉर अ 3 lakh crore विंडो फॉर द MSME सेक्टर। What shall be the tenure of the proposed tour of duty short service for Indians? भारतीयों के लिए प्रस्तावित tour of duty लघु सेवा का कार्यकाल क्या होगा? Answer is option B, that is 3 years. पहले आपका 10 साल था for short service commission, पर अभी ये नई कैंपेन आई है इसका यहाँ पर दोस्तों जो है that is आपका 3 years. Absolutely correct. Well done defense वालों, well done अवनी, well done नवति, well done in defense. चल अब आते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस पर, एंड आई वांट एवरीवन टू रिमेन फोकस्ड, एंड गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिलेबल फ्रॉम दिस। यहाँ पर जो मैं बताऊँ उसको प्लीज़ आप लोग ज़रा ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको हमेशा ये याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को, और आज की जो पहली खबर दोस्तों है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दी पार्किंसंस डिजीज़। बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन जैसे मोहम्मद अली और बहुत फेमस स्पोर्ट्स एक्टर्स को हुआ है पार्किंसंस, फॉर एग्जांपल रॉबिन विलियम्स हु जिन्होंने आत्महत्या की थी, हु पास्ड अवे ड्यू टू हिज ओन डेथ, उनको भी पार्किंसंस के सिम्टम्स थे। सो द रीज़न व्हाई वी आर डिस्कसिंग पार्किंसंस इज बिकॉज अ न्यू मेथड हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द पार्किंसंस, एंड दिस मेथड गाइस इज कॉल्ड एज द जेड स्कैन मेथड। ऑलराइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्किंसंस की। पार्किंसंस बेसिकली इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो हमारा होता है, एंड जो हमारी मोटर एबिलिटीज होती हैं फॉर आर मसल स्टिफनेस, आर मेंटल मेमोरी, ऑल ऑफ दीज आर इफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर पार्ट। द प्रॉब्लम दैट पार्किंसन हैज़ गाइज, इट स्टॉप्स द कन्वर्जन और द जनरेशन ऑफ अ केमिकल नोन एज डोपामीन। डोपामीन एक तरह का केमिकल है that is required to send behavior signals to your body. Basically, whenever आप जिम जाते हो या whenever जब आप कुछ भी करते हो अच्छा, तो dopamine release होता है ना। This is basically a level of happiness. तो वो dopamine जो है जो कि आप बार बार करते हो वो इसमें delay होता है, and the problem is that it cannot be cured. All right. Similarly, the reason given by many scientists, many researchers is that due to the accumulation of the ASIN protein, because of this protein accumulation, this Parkinson's actually happens. तो इसके लिए जो method आया, उस method का नाम दोस्तों जो है that is called as the Z-scan method. इस method को develop किया है IIT Dhanbad and CSIR IICB ने, that is in Kolkata, उन्होंने इसको दोस्तों डेवलप किया है, एंड इट विल मॉनिटर द ओरिजिन एज वेल एज द प्रोग्रेशन ऑफ द पार्किंसंस डिजीज। शुरू कहाँ से हुआ और इसका प्रोग्रेशन कैसा है, दोनों को ही दोस्तों ये आपका एक तरह से हेल्प करने वाला है। अगर हम CSIR की बात करें, CSIR वाज सेट अप इन 1935, इट इज़ द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल सेंटर इन इंडिया फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, एंड CSIR
agreed CSIR took this particular institute under its aegis in 1956. 1956 में CSIR जब बना तो उसने इसको अपने अंडर ले लिया and now it works under the Council of Scientific and Industrial Research. याद रहेगा सबको, सवाल एक ही बनेगा that which of the following method will be used for Parkinson's. निम्न में से कौन सा method आपका Parkinson's का होगा, उसका answer होगा आपका Z-scan method. आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे. अगली खबर दोस्तों जो है दैट इज रिलेटेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड वन सेकेंड एंड दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द HRD दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. दिस पर्टिकुलर मेथड, दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज कॉल्ड एज समर्थ. गाइस समर्थ एक ERP है, वेयर ERP बेसिकली स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ERP बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ किया जाता है टू मैनेज डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ इन बिगर कंपनीज वेयर देर आर लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, वेयर देर आर लॉट ऑफ लेबर, लॉट ऑफ फाइनेंसेस. तो उनके लिए एक ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है आपका कॉल्ड एज ERP. सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने फॉर इट्स ऑनलाइन गवर्नेंस इट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल कॉल्ड एज समर्थ. समर्थ बेसिकली एक ERP आपका है. दिस पर्टिकुलर पोर्टल, दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र एंड दे आर टेस्टिंग दिस फॉर द फ्यूचर यूसेज. दिस पर्टिकुलर समर्थ ERP इज अंडर द नेशनल मिशन ऑफ ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दिस मिशन वॉज स्टार्टेड इन 2009. तो बहुत ही सिंपल बात समझिएगा यहाँ पर कि MHRD हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड द समर्थ ERP. Samarth ERP guys is basically a software that is being released for this particular service. ये software जो है ये एक ERP की तरह काम करेगा, जो भी day to day activities हैं उनको ये एक तरह से आपका role जो है वो यहाँ पर आपका जो है देने वाला है. याद रहेगा आप सबको, everyone would you all remember guys, is the volume all right? Please answer yes or no, because according from my side there is no volume at all. Please do not try to spam the video guys. Is the volume all right? Please everyone, please answer quickly. I want everyone's answer. So I hope आपको ये clear हो गया होगा that MHRD basically has released this particular part. उसने इस particular part को दोस्तों जो है वो यहाँ पर release किया है. That is absolutely correct. क्या बात है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारे अगले पे. पर उससे पहले दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि ये जो नेशनल मिशन है इसने कई और पोर्टल्स को भी ऐड किया. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली इट ऑल्सो लॉन्च स्वयं. गाइज स्वयं का फुल फॉर्म आप प्लीज़ नोट कर लीजिए. इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. आई कैन रिपीट, स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. बेसिकली इट्स एन ऑनलाइन पोर्टल जहां पर जाके आप डिफरेंट कोर्सेज को परसू कर सकते हो, डिफरेंट कोर्सेज के लिए आप ट्रेन कर सकते हो. इसको उसने लॉन्च किया था. इसके अलावा उन्होंने लॉन्च किया था स्वयं प्रभा जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है. सो इट हैज़ लॉन्च अ लॉट ऑफ थिंग्स. फर्स्ट स्वयं which is an online website for training and learning stuff, and second है स्वयं प्रभा which is a online channel on DTH networks. उस पर जाके भी एजुकेशन वीडियोज़ को आप देख सकते हो. याद रहेगा सबको. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, अगले हेडलाइन पर. द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस इज कमिंग फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अगली हेडलाइन जो है दैट इज़ रिगार्डिंग द कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन. इसकी बात आपके सामने करते हैं. बेसिकली टेस्टिंग मशीन जो है दिस टेस्टिंग मशीन कैन टेस्ट अप टू 1200 सैम्पल्स इन 24 आवर्स एंड बेसिकली दिस टेस्टिंग मशीन हैज़ बीन डेवलप्ड हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. यहाँ पर आपका ये इंस्टॉल हुआ है. बेसिकली ये एक फुली ऑटोमेटेड डिवाइस है जहाँ पर RT-PCR विच इज़ द मेन टेस्टिंग फॉर COVID-19 दैट टेस्टिंग कुड बी डन ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस. पर इसके लिए किसी मैनुअल या किसी फिजिकल लेबर का ज़रूरत नहीं है. इट्स अ फुली ऑटोमेटेड डिवाइस गाइस. मैं रिपीट फिर से कर दूँ, कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन दैट हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय एंड रिसेंटली बीन इंस्टॉल्ड एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड वहीं पर ये एक ऑटोमेटेड मशीन को लॉन्च किया गया है. दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात करें, इट इज़ द मेन बॉडी, इट इज़ द नोडल एजेंसी. नोडल मींस द सेंट्रल बॉडी ऑफ ऑल डिजीज सर्वेलेंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस. तो बेसिकली ये मेन बॉडी है फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस, का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. अगली खबर दोस्तों जो है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अ न्यू मैलवेयर. मैलवेयर इज़ लाइक अ ट्रोजन. इट्स बेसिकली लाइक समथिंग विच इफेक्ट्स योर कंप्यूटर.
It can take out important data from your computer. It can lead to a great loss to the computer and also to your life, because जो भी data आप store करते हो computer पे, that data can be hacked, can be used, can be taken off by a malware. So according to the CertIn, that is according to the Computer Emergency Response Team of India, a malware called as EventBot, ये आपका आ गया है. EventBot जो है ये स्टील करता है पर्सनल इन्फो फ्रॉम एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स. जो जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए खतरा है. प्लीज़ गाइज बी वेरी वेरी कॉशियस. इसका जो अभी ऐप अफेक्टेड है उनके नाम है PayPal, UniCredit, HSBC, Coinbase एंड ट्रांसफरवाइज. ये US और यूरोप में है, इंडिया में भी आ चुका है. तो इंडिया में शायद फ़ोनपे, पेटीएम किसी को भी कर सकता है. सो थोड़ा सा अपने आप को कंसर्न रखें. प्लीज़ अवॉइड एनी वॉचिंग और रीडिंग एनी स्टफ which can lead to a virus. I hope everyone has understood what I mean, because guys, it's your mobile phone, please keep it safe. Similarly, अगर हम CERT की बात करें, जैसे मैंने पहले आपसे बात किया था ना इसके बारे में, if this institute was the nodal body for communicable diseases, the CERTIN or Computer Emergency Response Team India, it is the nodal agency in India for hacking, cybersecurity threats and phishing. उसके लिए ये आपकी एक important body है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है. Guys, CERT अभी हाल ही में आपका news में था, because CERT ने कुछ समय पहले it also launched the Cyber स्वच्छता केंद्र. कौन से केंद्र? The Cyber स्वच्छता केंद्र. The main purpose of this केंद्र was to create a cyber space society, ताकि देश के अंदर एक awareness फैले about the cyber security. Yaad rahega sabko, everyone, please give me an answer. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, we'll remember. Haan yaar, bina bole share kar diya karo. Aap log share nahi karte ho. Please share the video with your friends and family. I want everyone to share the video. Yes, yes, kya baat hai. Chalo, aage badhte hain agle headline par, jo ki ye raha. The next headline that we'll discuss, guys, is coming from a new scheme. And this scheme, guys, is in the dairy sector. This scheme has been launched by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. The minister of this ministry, guys, is Mr. Giriraj Singh, who is the Lok Sabha MP from Begusarai. Absolutely correct. Unhone isko inaugurate kiya hai. Is scheme ka naam likha hua hai. Interest subvention on working capital loans for dairy sector. Before discussing this, ek sawal aayega, subvention kya hota hai? सबवेंशन के लिए आपको एक गाना याद करना पड़ेगा. इट्स इन हिंदी गाइस, एंड आई विल ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, समझे आप. आई हैव समथिंग, प्लीज़ हेल्प मी विद समथिंग एंड आई विल बी हैप्पी. ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस गाइस इज दैट फॉर एग्जांपल अ इंटरेस्ट रेट ऑन अ लोन इज 5%. नाउ द गवर्नमेंट सेज 3% विल बी गिवन बाय अस, 2% आप दो. तो बैंक को जो पैसा जाएगा उनमें 3% जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट पे करेगी हमारे लिए, एंड 2% ही हमें पे करना होगा. सो सबवेंशन इज द इंटरेस्ट रेट सपोर्ट गिवन बाय द बैंक टू द कस्टमर, गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द कस्टमर, तो टू द सिटीजन. तो वो जो एक सबवेंशन होता है, वो जो एक इंटरेस्ट का शेयरिंग होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कस्टमर, उसे दोस्तों हम यहाँ पर कहते हैं सबवेंशन. सबको क्लियर हो गया? याद रखेगा, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, आपको याद रहेगा एट ऑल टाइम्स. सो गाइस, ये एक आपकी योजना लॉन्च हुई है, एंड दिस योजना इज़ बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड विच इज़ इन आनंद गुजरात. इट इज़ द सेम बोर्ड जो अमूल खाता है इंडिया, अमूल को बनाता है, उस वजह से भी ये आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट है. जो टोटल स्कीम का एक फंडिंग है, जो इसका बजट है, दैट इज़ 100 crores, नंबर वन. एंड नंबर टू, बेसिकली ये सबवेंशन के लिए ही आपका काम जो है वो किया जाएगा. आई होप क्लियर हो गया होगा. अगली खबर दोस्तों जो आ रही है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अंडर मिस्टर अर्जुन मुंडा हैज़ रिलीज्ड अ न्यू कैंपेन कॉल्ड एज गोल, जिसमें गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, एंड दिस पर्टिकुलर हैज़ बीन लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ फेसबुक. फेसबुक के साथ इसको दोस्तों लॉन्च किया गया है. इसका ये ईमेल आईडी, इसका ये एक वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप अवेल कर सकते हो. बट द प्रॉब्लम इज़, ये होता क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय गोल? गोल से हम क्या समझें? बेसिकली अंडर दिस गोल कैंपेन मोर देन 5,000 ट्राइबल यूथ विल बी ट्रेन्ड. दीज ट्राइबल यूथ गाइस विल बी ट्रेन्ड अंडर मेंटोर्स. इनको मिलेंगे मेंटोर्स, एंड दीज नॉट मेंटोर्स यार, मेंटोर्स. All right, and they will help in training them in multiple things. Or
हर मेंटर के अंदर दो मेंटीज, दो ट्राइबल यूथ को रखा जाएगा. सो इट्स अ स्कीम लॉन्च फॉर द ट्राइबल यूथ. द स्कीम इज कॉल्ड एज गोल्ड एंड इसको शुरू किया गया है विद द हेल्प ऑफ फेसबुक. याद रहेगा सबको. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा मेरा सवाल आपसे है, अर्जुन मुंडा साहब जो हैं वो लोकसभा सांसद कहाँ से हैं? एंड द आंसर इज इट इज़ ही इज़ फ्रॉम खूंटिया झारखंड, वहाँ से लोकसभा सांसद हैं. वेल डन गाइज, बहुत बढ़िया स्वरूपी, बहुत बढ़िया कनिशक्ति, वेल डन, बहुत अच्छे सब लोग कर रहे हैं. यस एंड वेल डन शिल्पा खंडवाल, बिल्कुल आ रहा है, होप आ रहा है शिल्पा जी, गोल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है. ठीक है चल आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर. अच्छा एक सवाल मेरा आपसे है, बिरसा मुंडा, नीलाम्बर पीताम्बर एंड वीर शहीद पोत, ऑल ऑफ दीज योजना गाइज आर इन झारखंड. सिमिलरली वेजीगो ऐप एंड प्रज्ञा मैप, ये भी आपका झारखंड में ही है, ये सब याद रखिएगा. चलो आगे बढ़ते हैं गाइज. अ स्ट्रीट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी एंड द स्ट्रीट हैज़ बीन नेम्ड इन द सिटी, इन द इसराइली सिटी ऑफ टेलवीव. टेलवीव इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ इसराइल और वहाँ पर एक स्ट्रीट का नाम रखा गया है ओवर रविंद्रनाथ टैगोर. And this has been given on the 159th birth anniversary, जो कि इनकी थी. इसराइल की बात करें, बेंजामिन जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड टेल अवीव इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशन. गाइज अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें, आप सब जानते हैं ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन एंड द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज एंड ऑल्सो द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन एंड ही वन दिस पर्टिकुलर नोबेल प्राइज इन 1913. All right. He won this prize for his collection of poems called as Gitanjali, and he was also called as Rashtrakavi. He is the only person whose songs are national anthems and national songs of India and Bangladesh. Amar Sonar Bangla, जो कि था पहले बांग्लादेश का national song, वो बांग्लादेश का था और इंडिया का तो आप जानते ही होंगे, जनगण मन अधिनायक जय है. मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं बिकॉज हम अगर मैं ज़्यादा मैंने बोला इसको तो वी हैव टू स्टैंड एंड वी हैव टू लिसन टू दिस पर्टिकुलर नेशनल एंथम. तो ये उन्होंने किया था एंड ही हैज़ डन मल्टीपल स्टफ गाइस. ऑलराइट तो यस आगे बढ़ते हैं. डरे नहीं होंगे आई होप, इनको ब्रश करना चाहिए, बहुत गंदे दांत हैं इनके, आप लोग ब्रश किया करिए भाई, लॉकडाउन में बहुत दिक्कत होती है आपको. सो गाइज़ द रीज़न वाई मैं इस मैच को दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑन मे 15 दिस ईयर दी नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे को जो है उसको दोस्तों ऑब्जर्व किया जा रहा है. दिस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन द थर्ड फ्राइडे ऑफ मे. हर मे के थर्ड फ्राइडे को ये आपका डे होता है एंड दिस डे इज ऑब्जर्व ऑन दिस ईयर दिस डे गाइज इज ऑब्जर्व ऑन द 15th ऑफ मे गाइज. एंड द मेन एजेंसी बिहाइंड द एंडेंजर्ड स्पीशीज इज़ द IUCN, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि ग्लैंड स्विट्जरलैंड में बेस्ड है एंड जिनशेंग जांग इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू द IUCN, एट लीस्ट 40% ऑफ द एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर एंडेंजर्ड एंड दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. मतलब 40% जो आपके एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्शन की ओर जा सकते हैं. अगली हेडलाइन जो है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल. कल हमने डिस्कस किया था एक योजना के बारे में, नाउ शी इज़ बैक, दीदी इज़ बैक गाइस. दीदी हैज़ लॉन्च टू मोर योजनास. उनके नाम हैं, पहले का नाम है स्नेहर परोश, सेकंड का नाम है आपका प्रोचेस्टा. स्नेहर परोश बेसिकली प्रोवाइड सपोर्ट फॉर देयर माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ताकि जो भी उनके वर्कर्स सपोज जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो डिफरेंट पार्ट में फंसे हैं उनको डायरेक्टली पैसा दिया जाएगा. एंड सेकेंड प्रोचेस्टा में डेली वेजेस दिए जाएंगे टू ऑल द डेली वेज वर्कर्स, जो कि जिनकी लाइवलीहुड डिस्टर्ब हो गई है इस लॉकडाउन में. तो अच्छी कोशिश है, पहली कोशिश है फॉर ऑल दोज पीपल, फॉर ऑल दोज माइग्रेंट वर्कर्स जिनको सपोर्ट की जरूरत है. एंड सेकेंड जो कोशिश यहाँ पर है दैट विल प्रोवाइड डेली वेजेस टू ऑल द डेली वेज वर्कर्स, उनके लिए भी ये काफ़ी एक अच्छी योजना है जो बनाई गई है. ये योजना आपकी वेस्ट बंगाल बनाई गई है एंड इसका मेन कंसेप्ट ही है टू प्रोवाइड वेलफेयर टू माइग्रेंट वर्कर्स लिविंग इन द स्टेट एंड लिविंग आउटसाइड द स्टेट, दोनों के लिए ही ये आपकी योजना जो है उसको लॉन्च किया गया है, याद रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके ये योजना मैंने कल बताई थी आपको, इसको देख लीजिएगा, मातिर स्मृति स्कीम है, ठीक है. हाँ ये इसको भी देख लीजिएगा, ये मैंने कल डिस्कस किया था. अब आते हैं दोस्तों हमारी अगली खबर पे. अगली खबर हमारे दोस्तों जो है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दूरदर्शन. झारखंड स्टेट हैज़ कोलैबोरेटेड विद दूरदर्शन एंड विद दैट कोलैबोरेशन दे विल स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. उनके लिए प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया जाएगा.
बेसिकली जो जो डीडी के डिश टीवी चैनल्स हैं उन चैनल्स पे, फॉर एग्जांपल डीडी झारखंड एंड डीजी साथ, ये दो चैनल्स हैं। इन दो चैनल्स पर आपके एजुकेशन एजुकेशन क्लासेस चलेंगी डीजी साथ पे, एंड द क्लासेस विल रन बिटवीन 10 AM टू 2 PM एंड इट विल बी डन फॉर 5 डेज अ वीक, 5 दिन हफ्ते में आपका चलेगा मंडे टू फ्राइडे, एंड ये June 15 तक आपका कंटिन्यू आपका चलता रहेगा, याद रहेगा आपको। सो झारखंड ने कोलैबोरेशन किया है विद दूरदर्शन गाइस। दूरदर्शन के हेड हैं मिस्टर ए सूर्य प्रकाश, एंड इट वॉज सेटअप ऑन 15 September 1959। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं हमारे आज के द हिंदू एनालिसिस में, पर उससे पहले आई वॉन्ट एवरी वन टू लेट मी नो दैट हाउ वॉज द सेशन राइट नाउ, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन टू नो, फटाफट एवरी वन जल्दी से। हाँ चलो आगे बढ़े, आज की हमारी आती है हमारी इमेज आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल अ न्यू लॉ हैज़ बीन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मैं रिपीट फिर से करूँगा आपके लिए दैट गाइज बिलीव मी, वंस द एंटायर अभियान, एंटायर आत्मनिर्भर अभियान हैज़ बीन प्रेजेंटेड, मैं एक टोटल एक पूरा आपके सामने एक वीडियो बनाऊंगा ऑन दिस अभियान। इतना आपको टच करना पड़ेगा, बिकॉज मैं अगर आपको बताऊंगा टुकड़ों में, इफ आई डिस्कस इन बिट्स एंड पीसेस दैट विल नॉट बी वेरी 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 गुड गाइस। सो आई अगेन रिपीट, मैं इसको पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा। ओके, इसके अलावा लॉकडाउन अकॉर्डिंग टू वेरियस एक्सपर्ट्स कुड एक्सटेंड टिल May 30। सो ये भी एक खबर यहाँ पर आ रही है। जो पहली खबर है जो मैंने आपसे पहले कहा मैं डिस्कस करूंगा आगे, फिर भी अगर आप चाहो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, 1 lakh crore रुपीज फंड्स विल बी गिवन टू द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, ये हम डिस्कस कर लेंगे आगे। ऑलराइट, चल आगे बढ़ते हैं। द सेंटर हैज़ गिवन नॉड टू डिफेंस टेस्ट फैसिलिटीज, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अप्रूवल दिया है फॉर डिफेंस टेस्ट फैसिलिटीज गाइज। दिस फैसिलिटीज वर लॉन्च्ड बाय द स्कीम फॉर दिस फैसिलिटीज गाइज वॉज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। द टोटल बजट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम इज 400 crore। विद इन द नेक्स्ट 5 years दे वॉन्ट टू सेटअप 6 to 8 न्यू टेस्ट फैसिलिटीज। आने वाले 5 सालों में 6 to 8 फैसिलिटीज़ को लॉन्च करने की बात की गई है, और गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 75% फंडिंग टू दीज पर्टिकुलर फैसिलिटीज। तो यहाँ पर याद रखिएगा द अमाउंट ऑफ दिस बजट, नंबर वन। नंबर टू, किसके लिए है? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और वॉट इज़ द टारगेट? 5 सालों में टू सेटअप 6 to 8 टेस्ट फैसिलिटीज। अगर हम डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो ऑलरेडी ये न्यूज़ में था। फॉर एग्जांपल रिसेंटली दे टाइड अप विद टाटा पावर फॉर प्रोवाइडिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ 37 एयरफील्ड्स फर्स्ट सेकंड। मोर देन 9300 पोस्ट वर रिमूव फ्रॉम द मिलिट्री इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस सर्विसेज। थर्ड, दे आर प्रपोज्ड अ न्यू थ्री ईयर टेम्प्ररी जॉब फॉर यूथ। तो कई रीजंस थे इनके न्यूज़ में होने के। आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, फाइनली यस्टरडे द टोटल नंबर ऑफ शिप्स दैट इन द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ नाउ हिट द 150 मार्क। नाउ द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ 150 शिप्स। इंडियन कोस्ट गार्ड के पास दोस्तों 150 शिप है, एंड दैट शिप विच लेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग गाइज इज ICGS सचेत। जो ICGS सचेत है इट बिकेम the 50th ship guys, it is the first in the series of 5 offshore patrol vessels jisko develop kiya hai, build kiya hai Goa Shipyard Limited ne. So by the addition of this particular ship, now the Indian Coast Guard has 150 ships. Inke naam aapke 150 ships hain. Iske alawa 2 interceptor boats or 2 IBs, IBs ka full form hai interceptor boats, 2 interceptor boats were also launched or also commissioned, C450 and C451. These interceptor boats have been developed and designed by Larsen & Toubro Shipyard Hazira, and इनको भी उसी दिन आपका commission किया गया। इसके अलावा Indian Navy ने अपनी एक land craft facility को launch किया है at Port Blair, and this is the 7th land craft utility facility for the Indian Navy in India itself। तो मैं repeat फिर से आप play कर दूँगा guys, I'll again repeat, the ICGS Sachet or the Indian Coast Guard ship Sachet is the 150th ship, number one. There are 2 interceptor boats, C450 and C451, जिसको develop किया है लार्सन टूब्रो ने, ICGS को develop किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, और इंडियन नेवी ने अपना 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी लॉन्च बनाया है, एंड दिस हैज़ बीन सेटअप इन द पोर्ट ब्लेयर ऑफ अंडमान निकोबार। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक आई होप एवरी वन हैज़ अंडरस्टूड। प्लीज़ आंसर येस सर वी हैव। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे आज के नो योर स्टेट पर। आज का जो हमारा नो योर स्टेट है दैट इज़ झारखंड।
आइए ज़रा आज हम झारखंड की बात कर लेते हैं और ये रहा आपके सामने झारखंड के बारे में हमारा डिटेल। द झारखंड कैपिटल गाइस इज रांची, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड गाइस आर 24, द गवर्नर ऑफ झारखंड गाइस इज द्रौपदी मुर्मू जी, द करेंट CM इज हेमंत सोरेन, द डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हियर गाइस आर पेंटिंग्स, पटिकर, जदोपीटा एंड सोहराई, एग्रीकल्चर यहाँ पर है आपका पैडी वीट मेज, स्टेट सिंबल्स में वी हैव एलिफेंट यहाँ का स्टेट एनिमल है, एशियन कोयल स्टेट बर्ड है, फ्ला आपका जो है दैट इज पलाश। एलिफेंट रिजर्व्स में आयु जी आज थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी, आई एग्री, कल से मंडे से कम कर देंगे, ठीक है। एलिफेंट रिजर्व्स में वी हैव सिंघभूम संबलपुर, टाइगर रिजर्व्स में वी हैव पलामाऊ, नेशनल पार्क्स में वी हैव बेटला एंड रीजनल फेस्टिवल्स में वी हैव जिति, भैया दूज एंड कुंडा मेला। ये इंपॉर्टेंट आपके रिजर्व्स जो आपके हैं स्टैटिक GK और झारखंड है लिख लीजिएगा। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाकी आप सबको देखना है दोस्तों, एवरीवन प्लीज़ गो थ्रू दिस, प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक, एवरीवन प्लीज़ गिव मी अ यस, आप सबको इसको आज देखना है। एंड ये रहा बाकी आपका होमवर्क जो कि स्क्रीन पे आपके सामने दिया हुआ है। इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु टू ब्रिंग बैक 1000 स्टैंडर्ड सिटीजन फ्रॉम विच कंट्री। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू एजुकेट फैमिली मेंबर्स ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। थर्ड क्वेश्चन, विथ विच IIT द पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज साइंड अ MOU। तो तीन क्वेश्चन के आपको आंसर दोस्तों जो हैं वो देना है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। बाकी ये आपके सामने हमारा आज का शेड्यूल है, ये शेड्यूल फॉलो होता है मंडे टू फ्राइडे। एंड बाय गाइज, टेक केयर, प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ। याद रखिएगा एट 10 AM टूडे वी आर हैविंग द वीकली करंट अफेयर्स MCQ। सो बाय गाइज, टेक केयर, प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ एंड गो ग्रेट अप गाइज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।